roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Hi guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सभी? तो ये beautiful सा look मैंने आपके साथ शेयर किया है. मैंने बहुत ही इजी स्टेप में इसको क्रिएट करा है, विदाउट फाउंडेशन, सीसी क्रीम, बीबी क्रीम, कुछ भी यूज़ नहीं किया है. और इतना ग्लोई वाला लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, और ये बहुत ज़्यादा क्लासिक लग रहा है. लिटरली आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है. तो मैंने रेड स्मोकी आइज के साथ में ये साड़ी लुक आपके साथ शेयर करा है विद अ स्लीक बन. तो हम इसको स्टार्ट करेंगे वीडियो को. स्किन केयर वगैरह मैंने ऑलरेडी कर लिया था, और यहाँ पर आप चाहो तो ड्रेसअप अपने अकॉर्डिंग हो सकते हो, कलर आई का अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो. बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग वाला बेस मैंने क्रिएट किया है, और बहुत जल्दी ही ये लुक मैंने क्रिएट कर लिया था. कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं आई है. मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कैसे ही आप ये वाला लुक आई मेकअप क्रिएट कर सकते हो विद द न्यूड कलर की लिपस्टिक. और जो भी डाउट हो आपको, प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो डोंट वरी, सब कुछ आपको इस वीडियो में दिख जाएगा. और कुछ भी आपको पूछना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. तो चलो फटाफट से हम अब अपना मेकअप करना स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर मैंने अपने बालों को टाई कर लिया और मैं डांस कर रही हूँ ऐसे ही. और फिर यहाँ पे लिप बाम अप्लाई किया क्योंकि स्किन केयर वगैरह मैं कर चुकी हूँ. मैंने आईब्रोज थोड़ी बहुत फिल कर ली है. यहाँ पर मैं ले रही हूँ पैक का कंसीलर जो फुल कवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो इसको लेकर मैं अपना कंसील करने वाली हूँ. कंसीलर के यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ. प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, फुल कवरेज है और बिल्कुल पैची नहीं होता है, और परफेक्ट शेड का मैंने ऑर्डर किया है ऑनलाइन ही. माउथ के अराउंड अप्लाई कर रही हूँ, चिन के अराउंड, हर जगह मैं कंसीलर अप्लाई करने वाली हूँ. कंसीलर को आपको पूरे फेस पे भी अप्लाई नहीं करना है, जहाँ जहाँ पे आप कंसीलर अप्लाई करते हैं वहीं पर ही मैंने कंसीलर अप्लाई किया है. और यहाँ पर फॉरहेड पर भी मैंने अप्लाई कर लिया है कंसीलर. आईलिड पर भी अप्लाई कर लूँगी मैं, ताकि मेरा जो आई शेडो है ना वो पॉप करके दिखे. अदरवाइज़ अगर नॉर्मली हम आई शेडो अप्लाई कर लेंगे ना तो कलर प्रॉपर दिखेगा ही नहीं, और वो मतलब बहुत डल टाइप आपका लुक क्रिएट होने वाला है. तो यहाँ पर मैंने आईलिड पर भी अच्छे से लगा लिया है कंसीलर. और लेट्स स्टार्ट, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले सकती हूँ, या थोड़ा सा ड्राई कर लो. नहीं, ड्राई करने के बाद ये थोड़ा सा जो कंसीलर है ना वो पैची हो जाता है. तो यहाँ पर मैंने फटाफट से ब्लेंड करना स्टार्ट किया आई मेकअप. आईलिड को मैंने कंसीलर से कंसील करके ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि और इससे क्या होगा, आपकी जो आईब्रोज है ना वो भी शार्पन बनेगी, और यू नो बहुत ही प्रोफेशनल वाला क्लीन अप लुक आएगा. तो यहाँ पे आप चाहो तो ऐसा क्रिएट कर सकते हो कंसीलर की हेल्प से, अपने आईब्रोज तक ले जाके उसको भी शार्पन कर सकते हो. ब्लेंड कर लिया है मैंने, कंसीलर को ज़्यादा देर रखना नहीं है क्योंकि फिर वो ना वो होने लगता है, ड्राई होने लगता है, पैची हो जाता है, तो ब्लेंड भी नहीं होता है. तो ये फुल कवरेज है, इसलिए फुल कवरेज कंसीलर की यही बात रहती है कि उसको तुरंत ही ब्लेंड करना होता है. तो यहाँ पे मैंने अपना कंसीलर ब्लेंड किया, बहुत ही अच्छा कवरेज दे दिया इसने मुझे. और माउथ के अराउंड जो कंसीलर अप्लाई किया उसको ब्लेंड किया. पहले जितने भी कंसीलर जहाँ पर अप्लाई किया वहीं पर ही मैं ब्लेंड करूँगी, देन ब्यूटी ब्लेंडर को पूरे फेस पर ही फैला लूँगी, जिससे है ना बहुत ज़्यादा इवन लुक आ जाएगा. और ये देखो मैंने आईलिड को भी ब्लेंड कर दिया है, ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर रही हूँ मैं. कुछ ब्रशेस वगैरह नहीं लिए मैंने, ब्यूटी ब्लेंडर से ही बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा. ये देखो, वाओ, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कुछ एक्स्ट्रा लगाने की, आपके डार्क सर्कल्स भी कवर हो जाएंगे और सब कुछ कवर हो जाएगा. फिर उसके बाद अगर आप चाहो तो जो पैल वो कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट भी कर सकते हो. मैं एक बार और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि फुल कवरेज है ना तो अच्छे से कवर होना चाहिए. यहाँ पर मैं अब सेट कर रही हूँ यहाँ पर अपने कंसीलर को कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से, ना कि लूज़ पाउडर की हेल्प से, क्योंकि ये कवरेज मुझे ज़्यादा देगा. और पहले मैंने फुल कवरेज यूज़ किया है, उस पर और कवरेज आएगी तो फाउंडेशन ऐसा लगेगा ही नहीं फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया है. तो सेट भी मैंने कर लिया. आईलिड पे मैंने ब्राउन कलर अप्लाई किया है, और फिर उसके बाद आईलिड पे रेड कलर अप्लाई कर लिया.
बस इतना ही मैंने करा और आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स करके उसको ब्लेंड करा है, 3 आई शेडो अप्लाई करे हैं, दैट्स इट, मेरा आई लुक कम्प्लीट हो गया था। ये देखो मैंने थोड़ा सा डार्क रेड कलर लिया है, डार्क कलर का मेहरून से थोड़ा सा लाइट, और उसको मैं दोनों आईज़ पर सेम स्टेप फॉलो करूँगी ताकि एक जैसा कवर हो, अदरवाइज़ एक आई पे मेकअप डिफरेंट होता है, दूसरी आई पे मेकअप डिफरेंट होता है, यही रीज़न होता है। और लिड पर मैंने लगा लिया है रेड कलर अप्लाई कर लिया और आउटर कॉर्नर थोड़ा सा ब्लैक कलर ले लिया और उसको मर्ज कर दिया, जिससे मेरी आईज़ कंप्लीट हो गई है। अब मैंने को लाइनर अप्लाई करना है, बाकी वो बाद में अप्लाई करने वाली हूँ। अभी मैंने ब्लश ले लिया, ब्लश अप्लाई कर लेंगे। ब्लश मैंने थोड़ा सा ना पीचिश टाइप में लिया है, पीच कलर में, क्योंकि पिंक कलर रेड के साथ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं थोड़ा पीच कलर में लिया ब्लश और फिर ब्लेंड करा। पैलेट मैंने यूज़ करा है, ये मालियो का पैलेट है, आप कोई सा भी पैलेट ले सकते हो, लिपस्टिक को एज ए ब्लश भी अप्लाई कर लो, नो प्रॉब्लम। और ब्रशेस मेरे को वॉश करने हैं अभी मैंने ब्रशेस वॉश नहीं किए, और फिर यहाँ पे अच्छे से मतलब ब्लेंडिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, चाहे वो ब्लश में हो या आई शेडो में हो। और नोज़ पर, चिन पर, ये तो हमेशा ही मैं अप्लाई करती हूँ, अगर आप चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका मन नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, डोंट वरी। फिर मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है यहाँ पे, पहले अच्छे से ब्रश को ही ब्लेंड करती जा रही हूँ मैं। क्रीम ब्लश भी बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप क्रीम प्रोडक्ट के साथ में ही पहले क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे फिर पाउडर वाले प्रोडक्ट अप्लाई करोगे तो वो बेस और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिक्विड वाला तो मैंने स्किप कर ही दिया है, क्योंकि मुझे तो मेकअप रिमूव करना होता है अल्टीमेटली वीडियोज़ बनाने के बाद में। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप पहले क्रीम प्रोडक्ट एंड देन पाउडर से सेट कर दो। तो यहाँ पर मेरा ब्लश कंप्लीट, अब हाइलाइटर की बारी है, बट उससे पहले मैं ब्लश को थोड़ा सा कम कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से, डैप 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 करके, ताकि पूरा इवन हो जाए और कुछ ज़्यादा कम ना हो, प्रॉपर दिखे। ये देखो बहुत ही अच्छा लुक आया है अभी तक तो। और फिर मैं लाइनर लगा लेती हूँ। लाइनर में मैंने नॉर्मली लोकल मार्केट से परचेज़ किया था लाइनर ये, और लाइनर अप्लाई किया विंग कलर का, लोअर लैश लाइन को कवर किया ब्राउन कलर की आई शेडो से स्मच करके, काजल वगैरह अप्लाई किया, हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ मैं पैक का ही वो कंसीलर था और पैक का ही हाइलाइटर है, जो बहुत ज़्यादा कमाल का है, यू कैन सी, वाओ अमेजिंग, बहुत अच्छा है। और फिर यहाँ पर भी दोनों साइड पे मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। ब्रशेस आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, एक पॉइंटेड ब्रश भी आता है जिससे हाइलाइटर अप्लाई होता है, बट मैं फ़ैन ब्रश लेती हूँ, इससे बहुत प्रिसाइजली आप अप्लाई कर सकते हो हाइलाइटर। और यहाँ पर नोज़ पर, चिन पर, क्यूपिड्स बो, फॉरहेड पर हाइलाइटर ऐसे ही अप्लाई करना है जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, नो डाउट। टिप ऑफ द नोज़ पर बहुत सुंदर लगता है हाइलाइटर, तो आप ऐसे अप्लाई कर लो। वाओ, बहुत ही मतलब कितना प्यारा लुक दिख रहा है ना, ग्लोई सा, ड्यूई सा, पूरा बेस ही बदल गया है हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद में। और फिर उसके बाद में मैं लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ, लिपस्टिक अप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने लिप लाइनर से लिप को लाइन किया और फिर एक न्यू कलर की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, जो कि बहुत डार्क थी, तो मैंने कंसीलर से उसको थोड़ी सी लाइट करी, क्योंकि मुझे लाइट आई मेकअप के साथ में, मतलब डार्क आई मेकअप के साथ में डार्क लिपस्टिक पसंद नहीं होती है, इसलिए मैं उसको लाइट कर रही हूँ। थोड़ा सा फिंगर की हेल्प से स्मच कर लो तो बेटर लुक दिखता है, प्रिटी लुक आता है बहुत ही ज़्यादा, और साथ में अगर आप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दोगे तो और ज़्यादा बहुत ही प्रोफेशनल लुक आ जाएगा। तो यहाँ पर दोबारा मैं लगा रही हूँ कंसीलर थोड़ा सा, कि मुझे और थोड़ा लाइट चाहिए, इतना डार्क नहीं चाहिए, क्योंकि वो सेट होना चाहिए ना, मतलब कि जो आप आई मेकअप करो उससे पूरा सेट होगा तभी आपका जो लुक है वो प्रॉपर दिखता है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा बोल्ड लगने लगेगा। इसलिए सिंपल सी मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली है। लैशेस वगैरह अप्लाई करूँगी मैं, लैशेस मैंने नॉर्मली ही परचेस करी थी अमेज़ॉन से, तो यहाँ पे अब बारी है लैशेस की, तो लैशेस मैंने अप्लाई कर ली है। और लुक देखो आप, एक आई का दूसरी आई का बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है लैशेस, तो लैशेस अप्लाई कर ली यहाँ पे मैंने। ग्लू अप्लाई करके थोड़ा सा सेमी ड्राई कर लो एंड देन फिर हम अप्लाई कर लेंगे लैशेस। वाओ, आई शेडो पैलेट मैंने SFR का यूज़ किया था, फाउंडेशन लगाया नहीं था, कंसीलर मैंने पैक का लिया था, कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने स्टेकोल की का लिया था, और लैशेस अमेज़ॉन की है, और ब्लश बता देता, हाइलाइटर भी मैंने पैक का लिया था, लिपस्टिक बेला विटा की थी। और फिर यहाँ पर मेरा फाइनल लुक ये रहा। People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah.
What's jumping out of here? My name, grasping into a life. Life is happy, but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah. That's it for today's video guys. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप सिंपल सा स्लीक बन के साथ में साड़ी का ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हो. एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए. बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ही ग्लोई वाला बेस क्रिएट हुआ है विद द मतलब इतना हैवी भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल मेकअप टाइप बेस है इसका. और ऐसे ही आप क्रिएट कर सकते हो. आई शेडो भी मैंने बहुत ही कम स्टेप में रखा था. स्लीक बन अगर आप चाहते हो हेयर स्टाइल वगैरह सब मैं दिखाऊँ कि कैसे मैंने क्रिएट किया है स्लीक बन वगैरह, तो आप मुझे कमेंट कर देना. नेक्स्ट टाइम से मैं आपको सब कुछ दिखा दूँगी. यहाँ पे सेटिंग स्प्रे से भी आप मेकअप को सेट कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे सेट नहीं किया है. यू नो व्हाट कि मुझे अब तो रिमूव ही करना है मेकअप, इसलिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ. कहीं बाहर जाना होता है तब मैं ज़रूर सेटिंग स्प्रे लगा लेती हूँ. आप सेटिंग स्प्रे से अपना लुक कंप्लीट कर सकते हो. दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. बाय बाय.